नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। मुरैना के सिविल लाइन थाना पुलिस ने हाईवे की लुटेरी गैंग को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास 2 कट्टे, देसी कट्टे, धारदार हथियार, मोबाइल और लूट का सामान बरामद किया गया है। आरोपियों ने पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद हाईवे पर लूट की कई वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिससे और भी वारदातों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगापुर के पास ट्यूबवेल पर संदिग्ध लोग वारदात को अंजाम देने की नियत से बैठे हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मार्च 2017 में मुरैना जिले में हाईवे पे काफी सारी सिलसिलेवार लूट हुई थी। उन लूटों में कुछ आरोपी पकड़े जा चुके थे, कुछ आरोपियों के ऊपर इनाम घोषित था। पुलिस ने अपनी पार्टी भेजकर गंगापुर के पास में इन लोगों को दबोच लिया था और इनमें से हमने 5 लोगों को मौके पे से पकड़ा। ये 5ों मिलकर फिर से किसी वारदात को अंजाम देने वाले थे, इनको मौके पे वारदात से पहले पकड़ लिया। इनसे हमें 2 कट्टे बरामद हुए, 315 बोर के कारतूस भी, जिंदा कारतूस बरामद हुए, 1 पर्चा बरामद हुआ है। मुरैना से गजेंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट न्यूज आज। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।